हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के मोस्ट पॉपुलर के ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है बॉयज ओवर फ्लावर्स। अगर आप एक के ड्रामा फैन हैं तो आपको ये क्लियरली पता होगा कि बॉयज ओवर फ्लावर्स एक मस्ट सी ड्रामा है, जो कि ज्यादातर फैंस का फर्स्ट कोरियन ड्रामा भी है। इस ड्रामा के अभी तक 6 एडेप्टिव वर्जन आ चुके हैं, तो चलिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। बॉयज और फ्लावर्स का पहला स्क्रीन वर्जन हमें देखने को मिला था जापानीज मूवी हान योरी डांगो में, जो कि जापानीज मांगा शोजो मांगा सीरीज से इंस्पायर्ड है। और ये मूवी अगस्त 1995 में रिलीज हुई थी। और इसके बाद जैसा कि बॉयज और फ्लावर्स का ट्रेंड ही चला गया, जापान में 4 और टीवी शोज रिलीज हुए अलॉन्ग विद अ सुपर अंडररेटेड एनिम सीरीज। खैर, 2009 में हमें कोरियन वर्जन देखने को मिला विद स्टार कास्टिंग ली मीन हो एंड किम यन जोंग, जो कि एक हिट सीरीज थी और जिसने कोरियन ड्रामा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 9 साल के इंतजार के बाद नेटफ्लिक्स ने इसका एक और नया वर्जन रिलीज किया मिथियर गार्डन 2018 के नाम से, जिसे फैंस बॉयज और फ्लावर्स चाइनीज वर्जन के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस ड्रामा को शायद हर एक की ड्रामा फैन ने देखा होगा, और अगर नहीं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉयज और फ्लावर्स ये कहानी है चार दोस्तों की, सॉरी चार हैंडसम लड़कों की, जिन्हें F4 के नाम से जाना जाता है। F4 के ग्रुप मेंबर्स के पास टैलेंट का भरमार होता है। स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट से म्यूजिक क्लास के वॉयलिन तक उन्हें सब कुछ आता है। फिर उनके जिंदगी में आती है जियुम जानदी, एक स्कॉलरशिप ट्रांसफर स्टूडेंट। इन शॉर्ट, ये ट्राइंगल लव स्टोरी है अमीर लड़के और गरीब लड़की के बीच में। बाकी पूरे के पूरे 25 एपिसोड्स में ऑडियंस इसी डायलेमा में होते हैं कि आगे लड़की किस मेल लीड को मिलेगी। और इसी के साथ आपको देखने को मिल जाएगी एक प्रेस्टिजियस स्कूल की लाइफ कैसी होती है। वही बात करें दूसरे F4 मेंबर्स का, तो मानो वो पिक्चर में है ही नहीं। उनका रोल ड्रामा में ऐसा है जैसे कि पांडव में नकुल और सहदेव, जिनका होना या ना होना एक ही बात है। ये ड्रामा आपको अनएक्सपेक्टेडली बांध के रखेगा, जबकि अंदर से आपको पता होगा कि इसकी कहानी में कोई दम नहीं है। एक नजर ड्रामा की कास्टिंग पे। जियुम जानदी प्लेड बाय किम हाइन सियोन जानदी, जो कि हमारी ड्रामा की हीरोइन है, जिसे एक टफ गर्ल के रोल में दिखाया गया है और आधे से ज्यादा एपिसोड्स में कंफ्यूज्ड। ग्यु जॉन प्यो प्लेड बाय ली मिन हो, ग्यु जॉन प्यो जो कि F4 का लीडर होता है, जिसे एक बैड बॉय की छवि दी गई है अलॉन्ग विद सॉफ्ट हार्ट इनसाइड। यो जी हो प्लेड बाय किम यन जो, यो जी हो जो कि इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड है, जो कि ड्रामा का मोस्ट अनलक लड़का होता है। तक ना ही उसे अपने बचपन का प्यार मिल पाता है, ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड। ड्रामा के हर एक आइकॉनिक सीन में या तो आपको ये गाना सुनने को मिलेगा या फिर F4 का ड्रामेटिक एंट्रेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये ड्रामा मजेदार है अगर इसके लव ट्रायंगल सीन्स को नजरअंदाज किया जाए तो। तो गाइज, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर एशियन स्टफ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।